मध्य प्रदेश शासन के कार्यक्रम के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा में सभी विभागों में कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। यह आयोजन लोक नृत्य, भाषण, निबंध एवं साल भर चलने वाले त्योहारों के आधार पर महाविद्यालय में संचालित 18 विभागों के अंतर्गत सभी विषय के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें से विगत दिनों गणित विभाग में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं गणित के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। वहीं आज जीडीसी कॉलेज में भौतिकी विभाग में कार्यक्रम करवाए गए। आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम के संबंध में जीडीसी के प्राचार्य मेजर विभव श्रीवास्तव ने कार्यक्रम के संबंध में क्या जानकारी दी है। यहाँ से हम किसी स्टार को देखते हैं और चल घूम करके 6 महीने में इधर आ जाएंगे और फिर उसी स्टार को देखते हैं जो है रियाज। अब आपने पढ़ा होगा कि तारों की बहुत अधिक संख्या में तारों को रोस्ट होता जा रहा है और उनकी दूरियाँ लगभग उसमें हमें एक्यूरेसी तो नहीं मालूम है, लेकिन पॉइंट कुछ 0.027 कुछ इस तरीके से AU के ऑर्डर में इतने करीब गया होगा। और जो उज्जैन में विक्रमादित्य है ना, उनका जो हिंग था वो बहुत ही समृद्ध, जितने भी महान जिनको आर्यभट्ट कहा जा रहा है, बारहदेव कहा जा रहा है, ये सभी उनके दरबारे थे। कोई आगे कोई पीछे, काल बता देता है कि मान लीजिए 200 AD से लेकर के 350 AD, अब उसको ढूंढो कहाँ था, कौन सा काल। तो उधर हम चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए समय की गणना, समय बहुत सारे श्लोक हैं जो मंत्र जैसे हैं, लव निमेश की चर्चा हुआ है कि निमेश निमिश क्या है, समय मापन की इकाई उनको मालूम था कि निमिश और लव क्या है, पल क्या है, तो पल इस तरीके से बहुत सारी संख्या में जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें क्या क्या जी। हाँ, ये जो हमारी सीरीज चल रही है भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर, कि सभी विभाग के लोग जो हैं, जैसे आज भौतिक शास्त्र के बारे में, भौतिक शास्त्र भारतीय ज्ञान परंपरा का कार्यक्रम चल रहा है, और उसके साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है, और वो भी जो है प्रकाश भाई ब्रह्म कुमारी से आए थे, वो उन्होंने भारतीय सहिष्णुता दिवस के बारे में भी बतलाया कि हमें किस प्रकार से, बच्चों को ये बताया कि किस प्रकार से जो है एक दूसरे के प्रति जो है सद्भावना रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। जब हम एक दूसरे के पास सहिष्णु रहेंगे तभी हमारी असली भारतीय ज्ञान परंपरा जो है उसको हम जी पाएंगे। और इसी के साथ साथ कल भी था भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती थी, और कल हम लोग ने पुष्पांजलि दिए और उसके साथ साथ कार्यक्रम किए, और आज जो है भगवान बिरसा मुंडा की बारे में छात्राओं को एक लघु फिल्म दिखाई गई है, और ये क्रम भी हमारा 26 तारीख तक भगवान बिरसा मुंडा के बारे में डेली जो है प्रत्येक दिन जो है ये कार्यक्रम होंगे, और उसके साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा की सीरीज भी चलती रहेगी। कितने दिन से चल रहा है ये? तो हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा तो 22 दिन, 18 विभाग है, बीच में छुट्टियाँ भी आएंगी, तो ये 22 दिन चल रहा है। और भगवान बिरसा मुंडा का जो कार्यक्रम है ये भी अभी 10 दिन का है, 26 तारीख तक चलेगा, और इसके साथ ही साथ 18 तारीख से हमारी सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम आए हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और लोकगीत लोक नृत्य, ये प्रतियोगिताएं भी 18 से 22 तारीख तक चलेंगी, और इसके बाद फिर जिला स्तरीय चलेंगी। तो लगातार हम लोग सभी लोग मिलकर के इस कार्य में जुटे हुए हैं कि जो भी शासन के द्वारा दिवस है और भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित जो भी कार्यक्रम है उसको हम लोग लगातार करते जा रहे हैं ताकि सभी छात्राएं इससे लाभान्वित हों। ये भारतीय ज्ञान परंपरा की एक व्याख्यान श्रृंखला इस महाविद्यालय में चलाई जा रही है, उसी क्रम में आज भौतिक शास्त्र विभाग के द्वारा ये भारतीय ज्ञान परंपरा और भौतिक विज्ञान विषय पर ये कार्यशाला आयोजित है। इसमें प्रमुख वक्ता के रूप में न्यू साइंस कॉलेज के प्रोफेसर आर के तिवारी साहब आए हुए हैं, और हमारे यहाँ 18 विभाग हैं। इन पूरे 18 विभागों में विभाग यानी विषय, उन विषयों का भारतीय ज्ञान परंपरा से क्या तादाद में रहा है, इसी विषय को लेकर ये ज्ञान परंपरा चलाई जा रही, ज्ञान परंपरा की ये कार्यशाला चल रही है, और इसमें बहुत सारे विषय अभी तक हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं। इस तरह से ये भारतीय ज्ञान परंपरा का विमर्श हमारे महाविद्यालय में सफलतापूर्वक चल रहा है।
सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।